हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार गाइस, आज आप देख रहे हो कि यार मेरी आंखों में ना नींद ठहरी है। यार ये इसलिए ठहरी है कि मैं नींद करके आया हूँ, इसलिए ठहरी हुई है। कभी ऐसा होता है कि नींद आई ठहरी होती है, यही जा रही है अभी। अगर मेरे कॉलेज से छुट्टी और मैं आ गया था सुबह सुबह अपने दोस्तों के पास, और इनका यार बहुत सारा काम शाम करता रह गया और फिर जाके सो गया था। अभी अभी उठ के ऊपर आया तो यार आज मैंने गाइस पता क्या किया यार, सर फिंचेस की मटकियां गाइस वहां पर पड़ी थी ना, मैंने यार फिंचेस की सारी मटकियां उठा के ना गाइस आज मैंने फाइनली अपनी जगह पर लगा दिया। सर पहले आपको पता होगा गाइस इस तरह से लगी हुई थी, यानी कि सारी इसी साइड पर थी और वो सामने थी। अब मैंने लगाई है ऐसे, पता क्यों यार, जहां से क्योंकि जारी नहीं आना तो यहां से आएगा इनके लिए सारफूट और इसकी डोलिया के ऊपर गिरेगा, फिर डोलिया वैसे की वैसे हो जाएंगी। तो मैंने डोलिया अंदर करके लगाई है और यहां से मैं वहीं पर ही रोकते क्योंकि यार मेरे से यहाँ से रास्ते समझे गुजरता हूँ तो यार ये डरती है। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर भी ठहरा हुआ हूँ और ये यहाँ पर बैठी हुई है। इसको मैंने इनको मैंने गाइस नेस्टिंग मटेरियल भी रख दिया, मैं आपको दिखाता हूँ यार सेटिंग वही वाली गाइस कि यार ये देखे आराम से छुप के पानी देखे, पानी यार बिल्कुल इनका साफ पड़ा होगा, देख आप मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यार गाइस पानी बिल्कुल साफ पड़ा है ना, ये ऊपर पड़े यहाँ से ये खुराक खा लेंगे ठीक है, और यहाँ पर पड़े इनके नेस्टिंग मटेरियल और इन्होंने घर बनाना भी स्टार्ट कर दिया। वो देखे वो नेस्टिंग मटेरियल लेके गए मैं कुछ डोरियों में आपको एक दो तरह नजर आ रहे हो, जैसे ये ऊपर वाली पहली डोरिया यार इन्होंने ना यानी कि कुछ स्टार्ट कर दिया। अभी यार इनके लिए गाइस तल्ला लेके आना है, वो इनमें रखना है। जो तल्ला होता है वो यार गाइस ये चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ यार, सड़कों के किनारों पर घास लगा होता है यानी कि बिल्कुल ऐसे भरी घास जिसे यानी कि जो घास नहीं होता यानी कि खुश घास जिसे कहते हैं, वो इनमें रखना यार। वो होता है एक तो हल्का होता है, उन्हें ना हम काट के रखेंगे 6-6 इंच का ठीक है, वो ये आराम से खा भी लेते और उससे यह क्या फलाना नेस्ट ईजी ना और अच्छा सा क्रिएट कर लेती है। तो यार यहाँ पर मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ गाइस, आज कल मैंने यानी कि ऊपर मेरा आना बहुत हो रहा है और मैंने ना सॉफ्ट फूड रज के खिला रहा हूँ, यानी कि रोटी शोटी मैंने पड़ी रहती है। अब भी इनमें कुछ ना कुछ बच्चा नहीं बचा पड़ा मैं बहुत सारे सॉफ्ट फूड डाल के गए लेकिन ना ये खा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। और इनके बच्चे उससे ना तेजी से बड़े हो रहे हैं यार, हालांकि यार अबे उठ जाओ यार मैं आया ठहरा यार ना सर यार तुम्हें, मैं आपको गाइस बच्चे दिखाता हूँ यार। ये देखें ये बच्चे अभी पैदा हुए हैं ना और माशाल्लाह यार इनका साइज देखो गाइस कैसे तेजी से ग्रो हो रहे हैं यार, अभी पैदा हुए ये बच्चे। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर एक बच्चा पड़ा हुआ है, ये मुझे लगता है गाइस इसकी टांग का थोड़ा फॉल्ट है क्योंकि ये अब तक बाहर निकलना कल पड़ रहा है, हालांकि इतना प्यारा बच्चा है यार। तो इधर देख लेते हैं गाइस इसके भी बच्चे निकल आएंगे, यानी कि बच्चे जो भी थे ना वो बड़ी तेजी से बड़े हो रहे हैं है ना। ये देखो माशाल्लाह इसके बच्चे देखो यार कैसे बड़े हुए बढ़िया। और यहाँ पर अभी तक इसके अंडे हैं गाइस बड़ा यार, मैंने गाइस दे देखे जो बच्चे थे ना जितने भी बच्चे थे वो बड़ी लेवल की स्पीड से बड़े हो रहे हैं यार। बस गाइस जाके फिर जिसकी अभी हमारी सेटअप हुई है, इसमें मैंने लकड़ियाँ में 2-3 और लगा दिया, वो देखो वो वहाँ पर लगा दिए 2-3-4 लकड़ियाँ और भी और लगा दिया। मैंने कहा यार आप दे रहे हैं यानी कि खुश जी दे रहे हैं, नेस्टिंग मटेरियल भी लग दिया, डोलियाँ भी बात करके लग दिया, 7 दिन की बंद कर दिया, इधर से भी लगा दिया, उधर से भी हर तरफ से लगा दिया यार। और गाइस इस साइड से यानी कि इस साइड से भी आप देख रहे हो यार ये मैंने भी लगा दिया अवेलेबल। मैंने कहा यार आप इनको ना किसी तरह से भी ना यानी कि ये ना फील हो कि यार हमें रोशनी आती है और बस यहाँ से अब हमें नजर आएगी, वो भी 1 इंच नजर आ रही है 1-2 इंच बस, इसके अलावा सब बंद है यार। बस ये रात के करें यार और खुल के करें मजे से करें, यानी कि कोई टेंशन नहीं, ब्रीड जैसे भी करनी करेगी यार। आपको पता होगा गाइस कल हमने देखा था अरे रिंग नेक ने अंडा दे दिया था, अब चेक करते हैं यार इंशाल्लाह यार दूसरा भी उसने अंडा दे दिया होगा। वैसे ये जो रिंग नेक है फर्स्ट टाइम अंडा देना ना, मेरे ख्याल में ये एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देगा, फिर भी चेक करते हैं हो सकते दे दिया ना गाइस। मैंने ये रख दिया, मैंने कहा यार ये ना ताकि वो ना फील करे, तो यार आराम से देखेंगे अंडा गाइस, ये वैसे अंडे के ऊपर बैठा होगा दिखाएगा नहीं लेकिन फिर भी हम देख वो अंडा पड़ा होगा गाइस नजर आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं यार ये फीमेल ऊपर बैठी हुई है कि हेच कर रही है कि नहीं कर रही है, पर अंडा मुझे सही पता नहीं है इसका, बड़ा अंडा यार एक नज़र आ रहा है गाइस। किसी दिन ऐसा करते हैं यार ये भाई रोना आकर फिर हम देखेंगे कि यार ये 2 है कि 1 है, वो काली चेक कर लेंगे। अभी फिलहाल ना यार इसको डिस्टर्ब में करते बैठी है तो बैठी रहे यार। आपको कहा था गाइस मैंने आपको क्या कहा था कि यार आप इसे अंडा दे दिए ना, बहुत ध्यान जोर से मुझे यार एडिंग लाइक ने अंडा दे दिया। अब हम यानी कि पूरे के पूरे ना गाइस इसको यानी कि 26 दिन बाद चेक करेंगे यार इसका बच्चा निकला है कि नहीं निकला, यानी कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन मेरे से रहा भी नहीं जाता इसलिए मैंने अगले दिन ही चेक कर लिया कि यार और अंडा दिया कि नहीं दिया। गाइस रैबिट के बच्चे ना यार मसल गए हुए, पता क्या करते हैं यार कभी अंदर आ जाते कभी बाहर चले जाते, वैसे आपको पता है कि यार बाहर नहीं निकलते, मैं कहता हूँ कि यार इन्हें अंदर जाने का शौक है बाहर नहीं निकलते ठीक है। आज क्या किया इन्होंने, मैंने यहाँ पर मुर्गियाँ खोली हुई थी वो वाली वहाँ से मुर्गियाँ लेके यहाँ पर खोली हुई थी और ये बाहर निकल आया, मुर्गियों ने तो फिर वो इसके पीछे भाग पड़ी है और भाग के अंदर घुस गया दोबारा से। अब भी देखिए मैं सबको निकाल के गया था और सब अंदर कहाँ गई, सारे बच्चे निकाल के गए थे मेरे ख्याल। अच्छा यहाँ पर घुसे पड़े हो यार, डरा दिया तुमने मुझे, मैंने कहा यार कहाँ गए। ये देखो यार तकरीबन सारे के सारे यहीं पर होंगे, मैंने मटके कोई उठा लेता हूँ। और ये देखो ये 5 है, 1-2-3-4 और ये 5वां बैठा हुआ है चूहे की तरह दौड़े गए, जैसे वो चूहे नहीं होते यार, ये देखना अभी आप ये देखें इतनी स्पीड में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है। इसको खैर मैंने घास जो घास बचा हुआ था मेरे पास वो डाल दिया, अब घास मेरे पास खत्म हो गया, अब नया लेके आऊँगा वो इसे डालूंगा यार। ये हमारा मेल उस मेल के मुकाबले में ठहरा हुआ है अब बिल्कुल, इस टाइम जो इनकी यानी कि सारे ना वो तकरीबन बराबर है, यानी कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसका नीचा होगा तो होगा हमारे इसी मेल का, लेकिन यार इसकी गर्दन देखें ना गाइस, गर्दन का इसका साइज देखें माशाल्लाह कितनी जल्दी से बड़ी हो रही है। अब मैंने गाइस सोच लिया यार इनको अब्बू समेत पका के खाऊंगा, ये जो ब्लैक और वाइट नस्ल है ना मेरे पास, इनको अब्बू और इसके 2 बेटे इन दोनों को इकट्ठा पका के खा लूंगा
फीमेल ठहरी रहेगी और जसील मेरे ठहरा रहेगा, छन्नो भी ठहरी रहेगी, बाकी खाऊंगा यार, मैंने खाना है भाई, पेट में डालने यार भूख लग गया। वो यार गाइस ये तो मैं आपको बताना भूल गया यार, अभी बल्कि देखना ही भूल गया मैं। वो देखो यार आज हमारे डब का बच्चा बाहर आया हुआ, आराम से दरवाज़ा खोल के ना गाइस इसको पकड़ के मैं आपको दिखाता हूँ यार। ऐसे अगर मैंने खोला ना इसमें भाग जाना पीछे पे और फिर मेरा हाथ नहीं पहुँचना। ये पकड़ लिया बहुत, तुम्हारी मम्मा मेरे से ऐसे ही पकड़े जाते हैं गाइस, जिसके जो माँ बाप होते हैं ना वो भी ऐसे यानी कि बहुत आराम से पकड़े जाते हैं, हाथ रखो हाथ में आ जाते हैं, माँ भी बाप भी इस तरह। ये देखें ये भी माशाल्लाह, ये देखो हाँ जी पकड़ा गया नन्ना मुन्ना पकड़ा गया। ये वाहिद बच्चा गाइस जो इस एवरी में पैदा हो गया है, यानी कि मेरे पास पैदा हुआ मुझे पता नहीं है, वरना एक एक अंडे का मुझे यार खबर होती है यार पैदा हो। यार पानी तो नहीं उड़ाओ, इसने नहाना स्टार्ट कर दिया। वो देखो यार माशाल्लाह उड़ के दिखा रहा है गाइस, मुझे उड़ के दिखा रहा है, कहते देखो मुझे उड़ना भी आता है। यार ये पैदा हो गया तो काफ़ी बड़ा हो गया था, मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया था, कुछ अर्से पहले भी पता चला। अब ये देखे आज ये बाहर आया हुआ गाइस, आज ये उड़ भी रहा है। देखें वो देखें अभी मैं थोड़ी सी हरकत आ जाएगी यार, खुद का खुद ध्यान है, यानी कि मेरे बताए बगैर निकल भी आते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, घास भी खा लेते हैं, मम्मा कितना घास खाते हैं मैंने देखा है, दूध भी पीते हैं, लेकिन ये आप सेल्फ होना स्टार्ट हो रहे हैं। यार ये देखो गाइस मैं आपको इसको उड़ा के दिखाऊँ, यार ये देखो उड़ता भी है गाइस ये, अबे उड़, वो देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए, ओए कहाँ गए, चलो आ जाओ आ जाओ आज मम्मा तुम्हारी परेशान होगी। गाइस आपको इसमें उड़ के दिखाई दीजिए, देखिए देखें यार, जाओ भाई जाओ 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 जाओ, मम्मा तुम्हारी परेशान होगी। पर काफ़ी एक्टिव बच्चा है यार, इंशाल्लाह ना ये बहुत ही जल्दी सेल्फ हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। इसको कोई जोर शोर लगा के देते हैं ताकि यार ये अपने पैरों पर ना जल्दी जल्दी खड़ा हो। यार फाइनली फाइनली गाइस आज इसको पैदा हुए हुए पूरे के पूरे 23 दिन हो चुके हैं और आज फर्स्ट टाइम इसके ब्रश बन चुके हैं, यानी कि कोंपले मैंने आपको दिखाई थी ना यार, ये देखो इसके पीछे यार ये देखें, अभी कुछ कोंपलों के पीछे निकले हैं इसके, एक दो तीन ठीक है, और यहाँ से एक ठीक है ऊपर की तरफ से एक दो निकले हैं, ये देखें यहाँ पर निकला हुआ है, यहाँ पर निकला हुआ है, और इस साइड पे मेरे ख्याल में नहीं है, ये पर इसका थोड़ा सा बड़ा है एज में, ये पर थोड़ा सा छोटा है मेरे ख्याल में यार। तो यार यहाँ पर भी एक दो है गाइस, ये देखें ना यहाँ पर एक ब्रश बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, तो यार माशाल्लाह। अच्छा इसके निकला है, मैंने आपको बताया था कि यार हमारे जो दो पैरेट हैं वो तकरीबन यानी कि मुझे लगता था कि यार बराबर एज के हैं ठीक है, तो इसके ये देखें बिल्कुल भी नहीं निकले, और जो तीसरा अभी हमने उसके बास्केट में रखा है इसके ना बिल्कुल हल्के हल्के यहाँ से ग्रीन हो रहे हैं, लेकिन ये ना मेरे ख्याल में कल तक ये भी निकालेंगे ठीक है। और जो हमने तीसरा बॉक्स में रखा है ना दो, और अभी हमने उन्होंने खिला दी थी वो हमने बॉक्स में रख दिया, तो उनके अभी तक ना यानी कि सब निकल गए, सबसे ज़्यादा ना सबसे यानी कि एज में इस टाइम बड़ा यही है, यहाँ से इसके पीछे से भी निकल रहे हैं लेकिन अभी बहुत छोटे हैं। तो माशाल्लाह यार आज हमने इनसे गाइस चने और उसमें किशमिश मिलाकर खिलाई है इन्हें, और थोड़ी सी मूंगफली भी इसमें डाल लिया। यार इसने भी हमें कहा कि यार मुझे सर्दी लग रही है मुझे बॉक्स में बिठा दो, तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो यार हमने इन्हें बॉक्स में बिठा दिया गाइस, ये देखें ये बॉक्स में बैठा हुआ, ये देखना हल्का हल्का काम पर आता है, पीछे वाला वो सबसे छोटा पैरेट है, तो अभी तक समझे उसकी कोंपले निकलना आज स्टार्ट हो गई है, वो देखिए वो कोंपले निकली हुई है यार छोटी छोटी, उसकी कोंपले निकल आई है, और इसके अलावा इसकी कोंपले तो बड़ी बड़ी थी ना, इसके भी पार नहीं निकले, पर सिर्फ उसी के निकले हैं जिससे पता चल रहा है कि यार ये ग्रीन है। बस मेरी ये ख्वाहिश थी कि यार एक वाइट पहाड़ी निकल आए, लेकिन ग्रीन ही निकलेंगे। जितने ज़्यादा साफ डाल के जाते हैं उन्होंने यार खा लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा खा लेते हैं, ये देखे ना अब बिल्कुल छटपटी पड़ी, जैसे बेचारों को काल थोड़ी सी मिली है और उन्होंने लड़ लड़ के खाई है, और इन्हें मैं अभी उतनी ही डाल के गया था, लेकिन उनकी अभी तक बची हुई है यार, इन्होंने ज़ाया भी बहुत किया है, इसने भी की होगी, वो नीचे आई होगी, वो रैबिट खा गए होंगे हमारे, है ना तुमने खाई है गाइस, कल हम आराम से आकर ठहर जाएंगे और रिंडा के निकलने का इंतजार करेंगे, जैसे कि भाई आता ना हम इसके बच्चे चेक करेंगे यार, वो बच्चे घर में सॉरी यार अंडे चेक करेंगे कि यार अंडे इसने दूसरा दिया कि नहीं गया, तो इसी के साथ अच्छी लोकेशन पर करते हैं, नॉर्मल टाइम फिर मैंने अल्लाह हाफिज़।